विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हुडकेश्वर स्थित डगे प्रॉपर्टी में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसका जायजा इनबीसीएन की टीम ने लिया। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों से सारे कारोबार ठप पड़े हैं, जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हुडकेश्वर स्थित ढगे प्रॉपर्टी में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को फायदा मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो तो हम लोग अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पब्लिक थोड़ा कम आ रही है, तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और हम लोगों का कुछ बिक्री हो। मेरे पास खादी शर्ट है, लखनवी कुर्ती है, गाउन है और खादी कुर्ती लेडीज़ की आएंगी, जेंट्स के लेडीज़ शर्ट वगैरह अच्छे और सिर्फ कम रेटों में है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हैं, 200-250 रुपए के रेंज में है। बाकी लखनवी कलेक्शन बहुत अच्छा है मेरे पास, उसमें कुर्ती साड़ी सूट सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब राहत थोड़ी यही है कि अब कम से कम थोड़ा जो काम है वो अब चालू हुआ है, तो इस वजह से हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत ही मतलब दिक्कत थी, अब थोड़ा काम चालू हो गया है तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम चालू हो गया है। अभी बहुत दिनों से कॉमन पब्लिक जो थे 9 महीने से करीब घर पे बैठा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम सभी बंद हो चुका है। मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है हर तरह से परमिशन ग्रांट करने के बाद, इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद हर किसी को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। I'd like to thanks to her. ग्राहक अभी भी अपसेट माइंडेड है, अभी तक लोग इतना अवेयर नहीं हुआ है, शायद पता नहीं, लोग अभी डर रहे हैं, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा अभी तो क्राउड नहीं है फिलहाल। अभी तो इनिशियल डेज है, बट जैसा टाइम जाएगा होपफुली सभी कुछ हो जाएगा। ये जो लॉकडाउन जब से खुला है और हमारा जो मेला लगा है, तो धीरे धीरे रोजगार मिल रहा है हमारे को और धीरे धीरे पब्लिक आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, इसी उम्मीद तो है हमारे को, जैसे जैसे मेला दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे और गिराक आते जाएंगे। अब इसमें कैसा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। अब हम तो 8 महीने से खाली पीली थे, कुछ है नहीं था यहाँ पर। अभी हमने सबने मिलकर मेला लगाया है और हमको बहुत खुशी हो रही है और पब्लिक को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को, और हमने सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग सब वह किए है। वैसा लॉकडाउन के कारण बहुत महीनों से लोग घरों में है, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही थी, और उस बोरियत का निवारण करने के लिए यह एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्राहकों का कहना है। लॉकडाउन के करीब 8 महीने बाद नागपुर में एक मेला की शुरुआत हुई है। इस दौरान हम वहां पे आए हैं जानने के लिए कि ग्राहक किस तरीके से प्रतिसाद दे रहे हैं, उनको क्या लेना पसंद आ रहा है और विशिष्ट उनकी किस तरीके की रुचि है। तो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहां से ली और किस तरीके के उनको यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स दिख रहे हैं। लॉकडाउन के 8 महीने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई है, तो आपका क्या प्रतिसाद है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद हमें बाहर निकल के एंजॉय करने को मिला है, और हम साथ सब मिल के आए, बहनें और ये मेरे सासू माँ हैं, तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद इतने दिनों बाद हमें बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स है, साथ ही बहुत ही कपड़े की शॉप्स है, तो महिलाओं का स्पेशली जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी ज्वेलरी की शॉप्स में या फिर कपड़ों की दुकानों में ज़्यादातर होता है। तो आपको किस तरीके की चीज ज्वेलरी यहाँ पे देखने को मिली है, साथ ही किस तरीके के कपड़े आपको यहाँ पे देखने मिले? यह हैंडलूम के जो भी है और ज्वेलरी भी है और चिकन वर्क के कपड़े है, साथ में अपने कॉटन के कपड़े है। हमें अच्छा लगा, हमने एक कुर्ता खरीदा भी है यहाँ और अच्छा लगा। ये कोरोना काल में वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू है, तो किस तरीके की सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लिए गए? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी मेजर है क्योंकि हम आए तो हमको सैनिटाइजर दिया गया, उसके बाद चेकिंग किया गया कि टेम्परेचर वगैरह कितना है, इसलिए हाँ बहुत अच्छी सेफ्टी है और बहुत अच्छा है, रश भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग यहाँ से की? हाँ बिल्कुल, हम तो जस्ट 2 दुकान से हम कर ही रहे हैं, यहाँ ज्वेलरी लिए, वहाँ से ये जस्ट टॉप लिया। ओके, आप आए और आपको चीजें अच्छी लगी और आपने साथ में लेना भी, हाँ लेना भी शुरू किया, हम एंजॉय, हाँ बिल्कुल, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और लेना भी चल रहे हैं। मतलब आपको अच्छा खासा है यहाँ पे, एनवायरमेंट भी अच्छा लग रहा है, मतलब सारी चीजें प्रॉपर लग रही है? बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल मस्त, बहुत अच्छा माहौल है।
थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से यहाँ पे सभी अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, साथ ही कहा जा रहा है कि यहाँ पे सारी सेफ्टी मेजर्स का भी पालन किया जा रहा है। शॉपिंग बोले तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत है, इसलिए शॉपिंग तो अभी हमने सिर्फ बच्चों के लिए की है, क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा है घर से बाहर आए तो इतने दिन बाद, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, सेफ्टी ले रहे हैं सब। वो कैसे अभी इतने दिन के बाद 6 महीने के घर से बाहर निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे एरिया में लगा है उड़केश्वर में, इसलिए और उससे भी अच्छा लग रहा है कि चलो बच्चों को तो कुछ तो भी एंटरटेनमेंट हो जाए, मनोरंजन हो जाए, इसलिए हम लोग अभी आज यहाँ पर आए हैं। सेफ्टी तो हर किसी ने ली है, सैनिटाइजरिंग बराबर हो रहा है, बच्चों को भी तरफ ध्यान दे रहे हैं, गार्ड है काफी सारे, अच्छा अच्छा लगा जरा। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन महिला विकास एवं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था ने किया है, और इस आयोजन में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर प्रशासन की सहायता से काम आसानी से हो गए। इस एक्सपो के बारे में अधिक जानकारी दी संस्था की संचालक ने। महिला विकास बहुउद्देश्य संस्थान नागपुर के द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, और इस संस्था की संचालक से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कोरोना के बाद आपने ये सब कुछ शुरू किया है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना तो सभी करना पड़ा मैडम, कि क्योंकि कोरोना 90 चालू है, तो उसके वजह से प्रशासन परमिशन देने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर रही थी, लेकिन परमिशन के लिए हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें परमिशन दी है। परमिशन देने के बाद में उन्होंने बोला है कि जो भी कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है वो आपको पूरी ध्यान में रखते हुए आपको सब काम करना है, तो हमने सभी पूरी गाइडलाइंस ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर मास्क वगैरह सबको ही गाइडलाइन देते हुए हमने हमारा ये इवेंट चालू किया है। इवेंट चालू करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो बेरोजगार बैठे थे 9 महीने से, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके बाद में हमने ये चाहा कि हमारे भाई बहनों का कुछ तो भी भला होना चाहिए, इसलिए हमने ये इवेंट हमने बड़े मुश्किल से चालू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये इवेंट कंटिन्यू चालू रहे, जो भी होता है हम उस चीज़ों के लिए जो भी होता है उसके लिए हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपका ये एक्सपो जो है वो अब तक नागपुर में किन किन जगहों पर लग चुका है? मैम, ये तो हम लोग अभी 5 साल से ये इवेंट करते हैं, तो हर जगह जहाँ जहाँ ऐसी जगह होती है वहाँ वहाँ हम ये इवेंट चालू करते हैं, जहाँ पे हमें परमिशन जहाँ मिलती है उस जगह, जैसे रेशम बाग हो गया और जैसे मनीष नगर है, ऐसे हर जगह हम ये इवेंट चालू करते हैं। प्रशासन ने मैम, प्रशासन की मेन भूमिका है, प्रशासन के बगैर हम ये काम ही नहीं कर सकते हैं। प्रशासन ने हमें जैसे बोला है कि आप कचरे का बिल्कुल कहीं पे भी ये ना करें, और जैसे प्रशासन चाहती है कि बहुत गर्दी ना हो कहीं पे भी, हम उसका पूरा ध्यान में रखते हुए ये सब काम हमने अरेंज किया है। मैम, यहाँ पे हर तरीके की दुकान है, जैसे कपड़े से लेके खाने से लेके अम्यूजमेंट पार्क तक। घर में रहकर भी लोग बहुत बोर हो गए थे और ऐसा लगता था कहीं तो भी अपना माइंड फ्रेश करें, इसमें जैसे अभी जैसे पब्लिक आ रही है, हमें उन पूछते हैं हमने तो कि भाई आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मतलब ग्राहकों का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही आपने ये जो रोजगार देने का अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के चलते, तो जिनकी दुकानें हैं उनका कैसा प्रतिसाद? उनका भी बहुत अच्छा प्रतिसाद है हमें, हाँ अच्छा ही मिल रहा है। तो इस एक्सपो के माध्यम से आप सभी को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैम ये सब ऐसा चालू कर सकते हैं, लेकिन सब गाइडलाइंस आप अपनी ध्यान में रखते हुए ये सब इवेंट चालू कर सकते हैं। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें ये परमिशन देने की प्रशासन हमें सहायता करे, और हम जो भी प्रशासन के जो भी गाइडलाइंस है उन नियमों का पालन करते हुए हमारे भाई बंधु को भी इवेंट चालू करने का अवसर प्रदान करे। महिला विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा इस अनूठे उपक्रम की शुरुआत की गई है, लॉकडाउन के बाद इस एक्सपो की शुरुआत की है, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से ग्राहकों का प्रतिसाद यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही सब कह रहे हैं कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स पूरे पालन किए जा रहे हैं, साथ ही जिन लोगों ने यहाँ पे दुकानें लगाई है उनका प्रतिसाद भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ मैं दिशा, NBC News नागपुर।